हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम नवो ग्रहों की अशुभ दशा अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में आए तो वो किस प्रकार का फल देती है, इस विषय में आज हम विस्तृत बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूं कि प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses डबल ए से लास्ट में, है ना। और फॉलो मी ऑन ट्विटर, है ना, @astroclasses एंड youtube.com/balajivedvidyalaya ये लिखेंगे तो हमारा YouTube का चैनल आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड विजिट माई ब्लॉग एंड वेबसाइट astroclasses.com। ठीक है, तो चलिए हम सूर्य की दशा के विषय में सर्वप्रथम जान लेते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा न हो, है ना, तो किस प्रकार का फल आपको देता है, इस विषय में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये चर्चा जो है वो जातक दीपिका नाम के एक ज्योतिष के पुस्तक के आधार पर आधारित है। तो मित्रों, इस जातक दीपिका पुस्तक के लेखक ने लिखा है, उनका मानना है और वो कहते हैं कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा न हो, अशुभ हो और उसकी दशा आपके ऊपर चल रही हो, तो ऐसा सूर्य नौकर, धन, चोर, नेत्र यानी आँख, शस्त्र, अग्नि, जल और राजा, इन सभी के माध्यम से आपको कष्ट पहुंचाता है। किसी भी जातक को कष्ट पहुंचाता है, पुत्र, स्त्री एवं बंधुओं से, अपने भाइयों से अपमान करवाता है, पाप बुद्धि, क्षुधा और तृष्णा के वजह से पीड़ा होती है, हृदय रोग, पित्त रोग और इसकी अशुभ दशा में जातक का अंग भंग भी, शरीर का कोई अंग भी भंग हो जाता है, भंग करवा देता है, ऐसी इसकी अशुभ दशा का दुष्प्रभाव जातक के ऊपर होता है। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ न हो, अशुभ हो, तो ऐसा अशुभ चंद्रमा अपनी दशा में जातक के कुल में यानी पूरे परिवार में यानी संपूर्ण कुल में ही भय उत्पन्न करता है और अपने परिवार में आंतरिक कलह एवं कष्ट देता है, निद्रा एवं आलस्य की वृद्धि कर देता है। ज़्यादा आलसी और सोने वाले लोग जो होते हैं उनकी कुंडली में निश्चित रूप से चंद्रमा की अशुभ दशा का दुष्प्रभाव होता है। स्त्रियों में भय, एक मानसिक भय बना रहता है सदैव, शोक एवं रति की प्राप्ति होती है चंद्रमा की अशुभ दशा में। अगर मंगल आपकी कुंडली में शुभ न हो और ऐसे अशुभ मंगल की दशा आपके ऊपर चल रही हो, तो ऐसे जातक का अपने मित्र एवं स्त्रियों से विरोध हो जाता है, भाइयों और पुत्रों से कलह होता है, तृष्णा, मूर्छा, रक्त दोष, अंगों में घाव, परस्त्री से प्रेम, गुरु एवं सत्य से द्वेष, अधर्म में प्रीति एवं पित्त प्रकोप से शरीर में कष्ट होता है। यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छा न हो, अशुभ अवस्था में हो और ऐसे बुध की दशा आपके ऊपर चल रही हो, तो यह बुध अपनी दशा में जातक को त्रिदोष अर्थात वात, पीत और कफतियों से पीड़ा देता है। कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति होता है, बंधन अर्थात कि जेल यात्रा तक हो सकती है ऐसे अशुभ बुध की दशा में, उद्वेग, मानसिक चिंता ऐसे व्यक्ति को सतैव सतत सताते रहती है। अगर गुरु आपकी कुंडली में शुभ न हो, तो ऐसे जातक को किसी प्रकार का सुख बहुत कठिन परिश्रम के बाद भी प्राप्त नहीं होता है, यहाँ तक कि खाने पीने तक का अभाव हो जाता है, शरीर में सूजन का होना, अत्यधिक शोक का होना और रोगों में जैसे कि गठिया आदि के वजह से लंगड़ापन का आ जाना, यह अशुभ गुरु की दशा का लक्षण है। कानों में रोग, वीर्य एवं मेधा का क्षय तथा राजा से सदैव भय बना रहता है अगर गुरु आपका शुभ न हो तो। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ हो और ऐसे अशुभ शुक्र की दशा आपके ऊपर चल रही हो,
तो ऐसा अशुभ शुक्र अपनी दशा में जातक को कुल और गुण में श्रेष्ठ जनों से विवाद करवाता है, अर्थात एक श्रीमान व्यक्ति से विवाद करता है ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में अशुभ शुक्र की दशा चल रही हो। इनको वाहन एवं रहने का घर, स्त्री और राजा से भी कष्ट तथा समाज में जो समाज विरोधी तत्व होते हैं ऐसे लोगों से ऐसे लोगों को प्रेम होता है। यदि शनि आपकी कुंडली में अशुभ हो, अच्छा न हो और ऐसे अशुभ शनि की दशा आपके ऊपर चल रही हो, तो ऐसा अशुभ शनि अपनी दशा में जातक के वाहनों का नाश कर देता है। उद्वेग, वैमनस्य, स्त्री और परिजनों का वियोग, युद्ध में पराजय, मदिरा एवं जुआ आदि से प्रेम, वायु का प्रकोप, पुण्य की हानि, बंधन अर्थात जेल यात्रा वगैरह, निद्रा तंद्रा, परिश्रम, अंग भंग हो जाना, नौकर और संतान आदि से विरोध हो जाना, ये सब शनि की जब अशुभ दशा हो जातक के ऊपर तो ऐसा दुष्प्रभाव होता है। तो आप भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा करते रहें, गुरुजनों की सेवा करते रहें, इससे अशुभ ग्रह की दशा भी शुभ फल देने लगती है। धर्म का कार्य ऐसा होता है कि उससे अशुभ दशा भी शुभ में परिवर्तित हो जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।